हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का अपना टॉपिक है नॉमिन क्लेचर ऑफ कीटोन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, नॉमिन क्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स और नॉमिन क्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उनमें दो मेथड्स आती है, कौन सी कौन सी, एक ट्रायवियल नेम सिस्टम और एक आईयूपीएसी नेम सिस्टम। सेम टू सेम जो नॉमिन क्लेचर ऑफ कीटोन है, इनके अंदर में भी दो ही मेथड आती है, एक ट्रायवियल नेम और दूसरी बेटा कौन सी, आईयूपीएसी। तो आपको कीटोन का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से पता है, क्या है, बॉन्ड सी बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, या फिर आप लोग उसको ये भी बोलते हो, बॉन्ड सी ओ बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कीटोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो कीटोन का जो नॉमिनक्लेचर, उसके अंदर में सबसे पहले अपन पॉइंट देखेंगे या फिर पहली नेम सिस्टम जो है, पहली मेथड जो है वो है ट्रायवियल नेम सिस्टम। अब ये जो ट्रायवियल नेम सिस्टम, इनके अंदर में होगा क्या, देखिए जो आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन है, जो डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, ठीक है, इट इज ए कार्बोनिल कार्बन। वाई कार्बोनिल कार्बन, बिकॉज कार्बन आर लिंक टू ऑक्सीजन इन डबल बॉन्ड। तो ऐसी फिनोमिना जब होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन के साइड में जो दो बॉन्ड वैकेंट आपको दिख रहे हैं, वहां पे एक तो क्या होगा, दोनों अराइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, या फिर दोनों अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, या फिर वन अल्काइल और वन अराइल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो पॉइंट आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से पता है, फिर भी मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दी, अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। अब यू नो वेरी वेल, कार्बोनिल कार्बन कौन है, मान के चलो ये हो गया बेटा आपका कौन, कीटोन। तो ये जो कार्बन है, ये कौन है आपका, कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन, ये कौन है आपका कार्बोनिल कार्बन, और ये कौन है आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको शो करते थे। तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होगा या फिर अराइल ग्रुप होगा, ये किसे अटैच होगा, ये वाले कार्बोनिल कार्बन को अटैचमेंट होगा। दूसरा, नेम ऑफ दिस ग्रुप, जब अपन ये ग्रुप का नाम लिखेंगे, द राइटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द वर्ड कीटोन। जो कीटोन वर्ड अपन ऐड करेंगे, तो कीटोन वर्ड के पहले वो जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो अगर डिफरेंट है, तो वहां पे हम लोग बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जब अपन एग्जांपल देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक कीटोन्स, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एलिफैटिक कीटोन है, ठीक है, एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन, वहां पे अपन क्या करेंगे, जब भी वो एलिफैटिक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, साथ में उसका नंबर वहां पे मेंशन करेंगे कि वो कौन से पोजीशन पे अटैचमेंट है, इज इंडिकेटेड बाय द लेबलिंग कार्बन एटम लाइक। अब वो क्या करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि जो भी आपका कार्बोनिल कार्बन है, मान के चलो यहाँ पे कुछ साइड वाइज कार्बन अटैचमेंट है, तो ये कार्बोनिल कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, जैसे ये दोनों जो दिख रहे हैं, ये कौन है बेटा, एडजेसेंट कार्बन, कौन है ये, एडजेसेंट कार्बन, और एडजेसेंट कार्बन जो होते हैं वो हम लोग अल्फा से शो करते हैं। ठीक है, फिर लाइक वाइज ऑर्डर फॉलो करते हैं, अल्फा के बाद जो कार्बन है वो बीटा, फिर गामा, लाइक वाइज सो ऑन जो रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, अल्फा के बाद में ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलोअप करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, नेम द एरोमेटिक कीटोन, जब एरोमेटिक रिंग होगा या फिर एरोमेटिक कीटोन अगर वहाँ पे है, तो उसे हम लोग फिनोन के नाम से इंडिकेट करते हैं। कौन से नाम से, फिनोन, कौन सा नाम बेटा, एरोमेटिक कीटोन होगा तो उसे हम लोग फिनोन के नाम से वहाँ पे नाम लिखते हैं। गॉट द पॉइंट। चलो, तो ये हम देखते हैं कि विथ एग्जांपल्स, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं बेटा, फर्स्ट एग्जांपल CH3CO CH3। ठीक है, जब भी हम लोग ये पैटर्न का जब एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक सीओ ग्रुप मतलब कौन सा, कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है। कीटोनिक ग्रुप के एडजेसेंट साइड में देखो, दोनों साइड में एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, कितने मिथाइल ग्रुप है, दो। ठीक है, दो अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं वहाँ पे, डाई, कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, डाई, और ये कौन है आपका, कीटोन। तो ये क्या हो जाएगा आपका नाम, डाई मिथाइल कीटोन, क्या नाम बना इसका, डाई मिथाइल कीटोन। पर समझ में आया, डायमिथाइल कीटोन। ठीक है, उसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, CH3CH2CO CH2CH3। अब यहाँ पे देखो,
एक सी एच थ्री सी एच टू, ये सी एच थ्री सी एच टू, इट मीन्स दैट ये सी टू एच फाइव है, ये भी सी टू एच फाइव, मतलब दोनों कौन से ग्रुप है बेटा, इथाइल ग्रुप, कौन से है इथाइल। तो यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज करेंगे, डाई, दो बार है ना, तो डाई इथाइल कीटोन, क्या नाम बनेगा इसका, डाई इथाइल कीटोन, समझ में आया। चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच थ्री। अब ये एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है, वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वन इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, वन मिथाइल और वन इथाइल है। अब यहाँ पे क्या करोगे, दोनों डिफरेंट मतलब अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट या फिर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे आप लोगों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। ये मिथाइल ही इथाइल, तो पहले कौन आएगा, यस ई, मतलब इथाइल, बाद में कौन आएगा बेटा, मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और ये कौन बनेगा आपका, कीटोन, समझ में आया, इजी एग्जांपल। अब ये तो बेटा एलिफेटिक, अगर मान के चलो एरोमेटिक अगर आ गए तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, जैसे कि देखो ये आपका अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, ठीक है, ये दूसरा बेंजीन रिंग, और ये यहाँ पे अटैचमेंट है, और ये डबल बॉन्ड ओ, ये कौन है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, एक कार्बन अगर निकल गया तो ये बन गया आपका बेटा C6H5, बराबर है C6H5, मतलब कौन है, फिनाइल, कौन सा ग्रुप है ये, फिनाइल ग्रुप, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है। जैसे यहाँ पे जैसे मिथाइल मिथाइल था, इथाइल इथाइल था, अब यहाँ पे दोनों कौन से हैं, एरोमेटिक में फिनाइल ग्रुप है, कितनी बार बेटा, दो बार, तो उसका नाम क्या बनेगा, उसका नाम बनेगा डायफिनाइल कीटोन, क्या नाम बनेगा इसका, डायफिनाइल कीटोन, इजी बिल्कुल। और एक एग्जांपल देख लेते हैं फट्टा से, अब ये दोनों एरोमेटिक है और एक एरोमेटिक रहेगा और एक अराइल रहेगा तो क्या होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे ये एक एरोमेटिक रिंग है, मतलब ये फिनाइल है, ठीक है, और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट करा दिया, कीटोन ग्रुप हो गया आपका, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अब एक एम है और एक पी है, ये फिनाइल है, ये मिथाइल, अल्फाबेटिकल पहले कौन आएगा, यस पहले आएगा बेटा मिथाइल और बाद में आएगा फिनाइल और ये बनेगा आपका कीटोन, क्या बनेगा, फिर बनेगा ये कीटोन। अगर इसी का दूसरा नाम जो है बेटा, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन, ये चीज ध्यान में रखना, एसिटोफिनोन, क्या नाम बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन। और ये जो है डायफिनाइल, इसी को भी दूसरा नाम जो आईपीसी में भी इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। तो ये चीज दोनों ध्यान में रखना, डायफिनाइल कीटोन को बेंजोफिनोन और मिथाइल फिनाइल कीटोन को एसिटोफिनोन, ये नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों को क्या देखना है, आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर, नेक्स्ट मेथड जो बेटा हुआ है आपकी आईयूपीएसी नेम, ठीक है। अब आईयूपीएसी में आपको क्या करना होता है, जब भी आपका कीटोन ये ग्रुप होता है वहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी आप क्या करते हो कि लास्ट ई को रिप्लेस करते हो और उसके जगह पे ओ एन ई ये सफिक्स ऐड करते हो, ठीक है, मतलब अल्केन है तो वो अल्कानोन बनेगा, बराबर। ये चीज़ देखो वन बाय वन वही रूल, वही देखें कि भैया फर्स्ट रूल अगर आप देखते हैं आईयूपीएसी में तो क्या होगा, लास्ट ई को आप रिप्लेस करोगे और उसके जगह पे क्या ऐड करोगे, ओ एन ई वन ऐड करोगे, ठीक है। नाउ सेकंड रूल देखिए, मतलब यहां पे जो मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता आपको, ये लास्ट ई को अपन रिप्लेस करेंगे और उसके जगह पे अपन क्या ऐड कर देंगे, ओ एन ई ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कानोन, ठीक है। दूसरा, लॉन्गेस्ट चेन है अगर कार्बन एटम्स की, ठीक है, और वो कार्बन एटम के चेन के अंदर में ये आपका कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है, जो आपका सीओ बोलते हैं ना अपन, जैसे कि कहाँ पे स्ट्रेट चेन, ये देखो यहाँ पे जो सीओ दिख रहा है ये कौन है आपका, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है ना, अगर वो प्रेजेंट है तो नंबर्ड कैसे करेंगे अपन, फ्रॉम एंड क्लोजर टू द कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या होगा, एक एंड मान के अपन क्या करेंगे, मतलब क्लोजर। देखो द कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड, मतलब जो
एंड में है, लास्ट में है, तो क्लोजर टू द कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ऐसे एंड से अपन उसको नंबरिंग करेंगे कि जो एंड से वो आपको नजदीक गिरे। फॉर एग्जांपल ये चेन में देखते हैं, ये साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये साइड से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो क्लोजर कहां से गिर रहा है, नजदीक कहां से गिर रहा है, ये एंड से, तो मतलब अपन ये साइड से उसको नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये ना आईयूपीएसी, ये तो कॉमन नेम का हो गया। ठीक है, कॉमन नेम में आपको क्या करना यूज होता है, अल्फा बीटा गामा ये लेटर शो करना होता है। लेकिन आईयूपीएसी में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कार्बोनिल ग्रुप है आपका वो नजदीक कौन से एंड से आपको गिरता है, वैसे उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। नाउ थर्ड वन, जब अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पहला रूल क्या बोलते हैं, लास्ट ई को रिप्लेस करके क्या ऐड करना है, सफिक्स ओ एन ई वन ऐड करना है। नाउ थर्ड, अगर दो अल्काइल ग्रुप्स, टू मतलब अल्काइल नहीं सॉरी, टू कीटोनिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है एक ही चेन के अंदर में, दो सीवो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब दो कीटोन एक ही चेन में प्रेजेंट है, तब क्या करेंगे, अगर सिंगल है तो लास्ट ई को रिप्लेस करना है, वो ए नहीं ऐड करना है। गॉट द पॉइंट। अब इसके पहले केस में हम लोग क्या करते थे कि भैया दो है ना, तो डाई ये वर्ड यूज करके उसका सफिक्स ऐड कर देते, सेम टू सेम यहां पे भी करना है। लेकिन एक चीज यहां पे है कि भैया जो लास्ट ई है वो रिप्लेस नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है। जैसे अल्केन का लास्ट ई रिप्लेस करके अपन ओए नहीं ऐड करते थे, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर में दो कीटोनिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वहां पे आपको लास्ट ई को रिटेन रखना है, जैसा का वैसा रखना है, और डाई वन डी आई ओ एन ई डायोन ये वर्ड आपको ऐड करना है। देखिए, व्हेन टू कीटोनिक ग्रुप्स आर present in ending E of alkane is retain, last E को आपको retain करना है, जैसा का वैसा ही रखना है, and the suffix क्या add करना है, dione, the suffix उसको चिपकाना है। साथ में एक चीज और ध्यान में रखना, साथ में उसका नंबर जब अपन क्या करेंगे, इज एडेड टू द नेम ऑफ पैरेंट कीटोन इंडिकेटिंग इट्स लोकेंट। लोकेंट का मतलब क्या होता है, लोकेंट का मतलब होता है बेटा पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप, पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप जिसको बोलते हैं, कौन से नंबर पे कार्बन पे वो प्रेजेंट है, टू है, थ्री है, फोर है, जो चेन के अंदर में कौन से कीटोन जो ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसका लोकेंट लिखना है, मतलब उसका नंबर आपको मेंशन करना है। जब अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कीटोन्स, अगर वो कीटोन्स के अंदर में कीटोन्स के साथ में और कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अटैचमेंट है तो प्रायोरिटी आप किसे दोगे, तो आपको पता है प्रीवियस वीडियोज में मैंने प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप का चार्ट आपको पढ़ाया है, उसका सारा लेंगे। हायर प्रायोरिटी ग्रुप, जो भी हायर प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा वो लोअर नंबर से आपको शो करना पड़ेगा, उसको नंबर वन देना पड़ेगा। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हायर, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा कि सी डबल ओ एच मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाद में अल्डिहाइड, बाद में कीटोन, तो ये प्रायोरिटी अगर है तो सबसे पहले नंबर लोअर नंबर मतलब नंबर वन आपको उसे देना पड़ेगा जिसकी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा है, तो वो यहां पे आपको ये पॉइंट मेंशन करा। थ्री और फोर बहुत ही इसेंशियल पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लास्ट पॉइंट, द कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप इज लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, अगर वो कीटोनिक है, प्रायोरिटी है, तो उसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, ऑक्सो। मान के चलो कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं आपको, एक कोई बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, क्या अटैचमेंट कर दिया, एक बेंजीन रिंग, और यहां पे सी डबल ओ एच अटैच कर दिया, और यहां पे बेटा एक सी एच ओ ऐसे कुछ है, ठीक है, और एक कीटोनिक ग्रुप है, जैसे सी डबल बॉन्ड वगैरह मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर ये पैटर्न से अगर मैंने अटैचमेंट करा दिया, ठीक है, इस हिसाब से अगर कोई स्ट्रक्चर अपन ने ले लिया तो यहाँ पे कीटोनिक भी ग्रुप दिख रहा है आपको और सी डबल ओएच भी दिख रहा है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप भी दिख रहा है। अब अपने चार्ट के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं तो प्रायोरिटी पोजीशन ऑफ नंबर वन किसको मिलना चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा हो, तो यहाँ पे कौन है, सबसे इसेंशियल मतलब फर्स्ट नंबर पे वन ये हो गया, बाद में ये टू हो जाएगा। जब ऐसे कुछ पोजिशन आती है या फिर जो ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर में मान के चलो दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं, कीटोनिक कार्बोक्सिल ग्रुप अगर होते हैं, तो लोअर प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा तो वहां पे अगर कीटोन ये लोअर प्रायोरिटी वाला हो तो वहां पे वर्ड कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए अपन ऑक्सो, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सो। एंड प्रोसी
प्रिसीडेड बाय द लोकंड, साथ में उसका लोकंड भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैंने निकाल था ये सेकंड नंबर पे था, तो ये सेकंड कौन था आपका, कीटोन ग्रुप था सेकंड नंबर पे, वन नंबर पे कार्बोक्सिलिक और सेकंड नंबर पे कीटोनिक था, मतलब कीटोन ग्रुप था। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू ऑक्सो, क्या लिखना पड़ेगा, टू ऑक्सो। जब हम लोग यहां के एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ में क्या यूज करना पड़ेगा आपको, लोकंड और उसका ऑक्सो यूवर्ट। एंड लास्ट पॉइंट, एलिसाइक्लिक अगर कीटोन है, ठीक है, तो वहां पे एलिसाइक्लिक कीटोन मतलब क्या होगा, जो साइक्लिक फॉर्म होता है, बराबर है ना, जैसे साइक्लो वर्ड अपन यूज करते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो कार्बोनिल कार्बन है उसे एज अ फर्स्ट नंबर आपको रेफर करना पड़ेगा, पहला नंबर उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये था बेटा आपका नॉमिनक्लेचर ऑफ ट्राइबल नेम और आईयूपीसी नेम। अब आईयूपीसी नेम के अंदर में इसके पास एग्जाम्पल्स बचे हैं, हो सके तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना एग्जाम्पल कैसे कैसे आए, वो एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।